सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जहां हर तरफ हमारे आदमी पहरा दे रहे थे, वहां से हमारे करीबी साथी को कितनी आसानी से ले गया वो सुल्तान। मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, वो रही तुम्हारी होने वाली सौजा। तो मतलब तुम्हें हमारी पेशकश कबूल है? नहीं। क्या फौत को कायल कर पाई तुम? नहीं, वो आसानी से बिकने वालों में से नहीं, और वो बहुत मोहताज भी है। हम इसके गलीज हाथ साफ करेंगे, पहले इसके बाएं हाथ की कलाई तोड़ेंगे और फिर दाएं हाथ की, और कहेंगे कि इसने खुदकुशी कर ली। फौत अफंदी को पाए तख्त बुलवाएं, हमें जानना है कि क्या वो रियासत की खिदमत करना चाहेंगे। मैं अब्दुल हमीद से इंतकाम लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ खड़े होने की ताकत नहीं। वो ताकत हम तुम्हें देंगे। हम उम्मीद से हैं और आपकी मदद चाहते हैं इसे खत्म करने में। तस्दीक करनी होगी पप्पी जान, हमें तस्दीक करनी होगी पप्पी जान, हम उम्मीद से नहीं हैं। एक इंसान अपनी दोनों कलाइयां कैसे तोड़ सकता है? एक कलाई तोड़ने के बाद दूसरी तोड़ने की ताकत ही नहीं होगी। हमारे सुल्तान को आपके कारनामों के बारे में मालूम हो गया है, आपको पाया तख्त तलब किया है। क्रॉली की मौत के बाद हमारी तंजीम में एक कुर्सी खाली हो गई है, अगर तुम चाहो तो उस पर चुपचाप बैठ सकते हो। आपको पाया तख्त लेकर जाना है, बाकी तफसीलात सुल्तान मुअज्जम आपको खुद बताएंगे। देखो उस्मान, तमाम अखबारात में करोली की खुदकुशी की खबर छपी है। मैं इसे नहीं पढ़ सकता, ये जर्मन में लिखा है। फ्रांसीसी आती है, अंग्रेजी? अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हें कौन सी जबान आती है तो मैं उसी का अखबार लेता। जो जुबान मेरे सुल्ताने मुअज्जम बोलते हैं मुझे वही समझ में आती है। आप यकीनन कोई खास जासूस हैं। क्यों लगा तुम्हें ऐसा? इसलिए कि आप तमाम जुबानें जानते हैं, बैनुल अक्वामी जासूस हैं आप शायद। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि आपको निकाला क्यों गया था तंजीम से। क्या वजह थी तंजीम से निकलने की? इतने सवालात मत करो उस्मान, उन्होंने निकाल दिया तो मैं निकल गया खामोशी से।
आप त्राबज़ोन से आए हैं, वो शहर जिसे सुल्तान महमद फाते ने फतह किया था। अल्लाह आपकी खिदमात को कबूल फरमाए अली बहारी पाशा। आमीन सुल्तान मुअज़्ज़म। हिसाब किताब के माहिर होलो पाशा, इनका ताल्लुक शाम से है। इस कुदरा अल्बानिया के कदीम शहरों में से एक है, वहाँ से आए हैं जलालुद्दीन पाशा। बहुत शुक्रिया सुल्तान मुअज़्ज़म। मोहतरम मुहन्नस पाशा। तौफीक पाशा क्रीमिया से आए हैं। शफीक पाशा एक काबिल कमांडर हैं। आप सब में रियासत की खिदमत का जज्बा देखकर हमें बहुत खुशी हुई है। आप उस्मानियों के पास किसे भेजेंगे? वो भी तैयार नहीं है। इसका फैसला वो आज हमारी मुलाकात के बाद करेगा कि वो हमारे साथ है या नहीं। मैं हैरान हूँ कि आपने इतनी जल्दी उस पर एतमाद कर लिया और मुलाकात में शामिल होने की दावत भी दे दी। जिन खित्तों पर उस्मानी हुकूमत करते हैं वो बहुत आम है। जब तक उस्मानी रियासत कायम है हम अपना निजाम नहीं ला सकते। खुशामदीद। यहां हम दुनिया के नए निजाम की मंसूबा बंदी करेंगे। दुनिया में इस्तेसाली निजाम लाने की साजिश की जा रही है। लुटेरे दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं। हमने अपनी हुकूमत के 25 सालों में ऐसे लुटेरों का डटकर मुकाबला किया है। 25 साल दौरे हुकूमत में हमने मिल्लत की फलाह बहबूद के काम किए हैं और खतीर रकम खर्च की है ताकि हमारी अवाम अमन के साथ खुशहाल और पुरसकून रह सकें। हमने 25 सालों में 1552 खैराती और तहकीकाती इदारे कायम किए हैं। इन तामीरात में मसाजिद, मदारिस, दर्जगाहें, अस्पताल, कारखाने और यतीम खाने शामिल हैं। मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद हमने ये तामीरात की। हमारे अजदाद ने इस सरजमीन को अपने खून से सींचा है और उन्होंने ये सरजमीन हमारे लिए बतौर विरासत छोड़ी है। अमानत है उनकी। अब वक्त है फराइज की अदायगी का। रियासत के लिए अब तक जो कुछ करते आए हैं अब उससे ज्यादा करना होगा। सुल्तान मुअज्जम, क्या आप इसके लिए फराइज तफ्वीज करेंगे? मुहन्नस पाशा मुआशी मामलात के जिम्मेदार होंगे। अली बहारी पाशा और तौफीक पाशा खारजी उमूर के फराइज सर अंजाम देंगे। इस कुदरा के जलालुद्दीन पाशा अस्करी उमूर संभालेंगे, ये फौज के सरबरा होंगे। शफीक पाशा भी जंगी मामलात देखेंगे। पाशा हजरत, हमारे दुश्मनों की जल्द ही रिवाल में मुलाकात होने वाली है। किस लिए सुल्तान मौज़ूम? हमारी रियासत के टुकड़े करने के लिए मलिका बरतानिया और उनके साथ शहनशाह रूस दुनिया की तकसीम का मंसूबा बनाएंगे। लेकिन उनका असल हदफ हमारी सल्तनत उस्मानिया और जर्मन सल्तनत के टुकड़े करना होगा। वो चीन के मामले में मुआहदा करने वाले हैं। जापान, हिंदुस्तान और ईरान से होते हुए उस्मानी सरहदों तक पहुंचना चाहते हैं। अगर वो ये जंग जीत गए तो हमारी मिल्लत 100 साल तक आंसू बहाती रहेगी। हमारे इस इजलास का मकसद अपनी कौम को हर हाल में इन खतरात से मिलकर बचाना है। इंशाअल्लाह। और हम कामयाब जरूर होंगे। थोपी जान। महमद सलीम। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। एक मसले के बारे में हम आपको आगाह करना चाहते हैं। कैसा मसला? हमदान उम्मीद से नहीं है। वो बच्चा महीनों पहले ही जाया हो चुका है। उन्होंने हम सबसे ये बात छुपाई और एक भयानक मंसूबा बनाया। वो किसी और के बच्चे को अपना बच्चा बनाकर महल में लाने वाली थी। मालूम है। आपको मालूम है? हम जानते हैं हमने बहुत गलत किया, लेकिन हमें डर था हम आपको खो ना दें, आपके दिल में हमारे लिए मोहब्बत ना खत्म हो जाए। हमने ये सिर्फ इसलिए किया कि
क्योंकि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए शहजादे, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप, कुछ मत बोलो। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम हमसे झूठ कैसे बोल सकती हो? जब मैं अपने हाथों से अपने बच्चे के लिए झूला बना रहा था, मैं ख्वाब देख रहा था, तुम्हें हमें देखकर जरा सा भी दुख नहीं हुआ। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? कैसे? तुमने हमारे साथ धोखा किया, झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला, धोखा दिया। क्यों किया हमारे साथ ऐसा? क्यों धोखा दिया? बताओ। उन्होंने आपको ये सब कब बताया? आज सुबह। तो फिर अब तक तो वो महल से जाने की तैयारी कर रही होंगी। मोहम्मद सलीम, इस हादसे के बाद आप उन्हें तलाक दे रहे हैं, वो आपकी जिंदगी और इस महल से चली जाएंगी ना? अल्बर्ट पाइक का बेटा, अल्बर्ट जूनियर पाइक, फिरौन मूसा के पीछे गया और समंदर में गर्क हो गया, और वक्त के साथ समंदर का पानी खुश्क हो गया, लेकिन फिरौन की लाश अभी भी मौजूद है और हम उसके वारिस हैं। फिरौन ने उस दिन मूसा से सच कहा था। उसने कहा था कि हम जिसे चाहे मार सकते हैं और जिसे चाहे जिंदगी देते हैं। उसने एक शख्स को तीर के वार से मार डाला और उसने वहां मौजूद दूसरे शख्स की जान बख्शकर उसे जिंदा रहने दिया। अब हम वही करेंगे जो उस दिन फिरौन ने किया। हम इस कागज के टुकड़े को तीर बनाएंगे। अब जदीद मशीनों का दौर है जो इस तरह के $100 के 20 नोट एक मिनट में छाप सकती हैं। सिर्फ एक मिनट और थोड़ी सी स्याही से ये कागज तैयार हो जाएगा, और इसकी कुल लागत सिर्फ जरा सी स्याही है और कागज के चंद वर्क, और मुस्तकबिल में ये होगी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। सुल्तान मुअज्जम, हमारी जंग किसके खिलाफ है? वो दुश्मन जो हमारी नजरों से ओझल हैं और जिन्होंने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, जो शैतान के पैरोकार हैं, उनके खिलाफ जो हमसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। एक किसान सारा साल काम करता है, पहले वो मट्टी को नरम करता है, फिर बीज बोता है, पानी देता है और बड़ी मेहनत से देखभाल करता है, फिर दुआ करता है कि मौसम साजगार रहे, फसल तैयार हो जाती है, कटाई का वक्त आता है। किसान की पूरे साल की मेहनत को हम जरा सी देर में तैयार किए गए $100 के 10 नोट से खरीद लेते हैं। किसान अपनी सारी गंदम जो वो अपने खानदान और औलाद के साथ मिलकर बहुत मेहनत से तैयार करता है, वो उसे कलील रकम के एवज फरोख्त कर देता है। वो अपनी एक साल की मेहनत को चंद लम्हों में छपने वाली रकम के बदले तब्दील कर लेता है। मगर हम वो रकम भी उस किसान के पास नहीं छोड़ते, क्योंकि हम उसकी अहमियत से वाकिफ हैं। एक शानदार किस्म का चराग बेचने वाला उस किसान के पास जाता है
और वो किसान हमारी दी हुई रकम से वो चराग खरीद लेता है और पूरे साल की मेहनत एक चराग के बस बेच देता है और फिर वो हमारा गुलाम बन जाता है, क्योंकि उस चराग का तेल भी हम फरोख्त करते हैं। और ये खेल इसी तरह जारी रहता है। वो लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और हम उनका सब कुछ ले लेते हैं इन कागज के टुकड़ों के एवज। दुनिया का निजाम बदल रहा है, जिसके जरिए सरमायादार दुनिया को काबू करना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे सरमाया कमाने के जराए छीन लेंगे। हम इन बेरहम लुटेरों को जो लालच के समंदर में गर्क हो चुके हैं, उन सब को हम अल्लाह की मदद से नीचा दिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मौसिजीन, हम नया आलमी निजाम कायम करने जा रहे हैं, ऐसा निजाम जिसमें सिर्फ हमारा फायदा होगा। सारे बैंक हमारे हैं, जो कोई भी तिजारत करेगा वो हमारे लिए काम करेगा। हम जहाजों और रेलवे के निजाम को अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। मुसाफिरों से लिया गया सारा सरमाया हमारे पास आएगा। हर वो चीज जो सूदी निजाम में है वो सब हमें ही फायदा पहुंचाएगी। हमें इस निजाम के खिलाफ खड़ा होना है, हिकमत अमली के साथ इसको शिकस्त देना है, कारखानों को फाल करना होगा, लेकिन सूदी निजाम के होते हुए ये नामुमकिन है, और हमें इन सारे मुहाजों पर मिलकर लड़ना होगा। हम इस जुल्म के निजाम को रोक कर रहेंगे। हमारी राह में रुकावट सिर्फ ये रियासतें हैं, इसलिए हम रियासतों का दौर खत्म कर देंगे। हम हर मुल्क से लोगों का इंतखाब करेंगे, जैसे बर्तानिया से चर्चिल, रूस से लेनिन, जो कि मार्क्स के नजरियात का हामी है, और उस्मानिया रियासत से एक नौजवान जो कुछ ही देर में यहां आएगा और हमारे साथ शामिल होगा। ले आओ उसे। सामान बांध लिया है, आप जब चाहें तलाक दे सकते हैं। हम उसी वक्त महल छोड़ देंगे। नहीं, आप तलाक नहीं देंगे हमें। आपने हमें माफ कर दिया, वादा करते हैं एक अच्छी बीवी बनेंगे, कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। अब बहुत देर हो चुकी, हम ये शादी बरकरार नहीं रखना चाहते, लेकिन हमें बाबा को वजाहत पेश करनी होगी। जब तक हम बात नहीं कर लेते आप यहीं रहेंगी। जब उन्हें मालूम होगा हमने क्या किया है तो हम शर्म से मर जाएंगे। फिक्र मत करें आप, किसी को सच्चाई का इल्म नहीं होगा। फुफी से बात हो गई है, वो किसी को नहीं बताएंगी। बाबा पहले ही रियासत के मामलात में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, हम उन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहते। सुल्ताने मुआज़्ज़म से आप क्या बात करेंगे? अभी हम नहीं जानते, लेकिन इस दौरान आप कोई फजूल ख्वाब मत देखिएगा हंदान। हमारी तलाक होकर रहेगी।
हमारे मेहमान को वो खत दो जो बरसों पहले तुम्हारे वालिद ने लिखा था। ये खत 50 साल पहले लिखा गया था। इसमें ऑस्ट्रिया और पर्शिया के दरमियान और उस्मानियों और रूसियों के दरमियान होने वाली जंग के बारे में लिखा है। यह है हमारी ताकत का नमूना। अल्बर्ट पाइक ने 1820 में जब ये लिखा तो उस वक्त उन्होंने कोई पेशनगोई नहीं की थी। जो कुछ उन्होंने लिखा वो सच साबित हुआ। अब इन्हें अल्बर्ट पाइक का वो खत दो जिसमें उन्होंने हमारे नए आदाफ के बारे में लिखा है और अपने बेटे के लिए विरासत में छोड़ा है। पढ़ो इस खत को। अपने हदफ तक पहुंचने के लिए हमें 3 आलमी जंगें करवानी होंगी। पहली आलमी जंग के बाद हमें इश्तराकियत कायम करनी होगी। मजाहिब पर लोगों का ईमान कमजोर होगा। दूसरी जंग फास्तायत के पैरोकारों और सहोनियों के बीच होगी। सहोनी जंग हारेंगे और फलस्तीन में एक नई यहूदी रियासत कायम होगी। तीसरी जंग मुसलमानों और सहोनियों के बीच होगी, जिसके नतीजे में मजाहिब खत्म हो जाएंगे और फिर लादीनियत परवान चढ़ेगी। ये हैं हमारे आहदाफ और इन्हें हासिल करने के लिए रिवाल में बरतानिया के नए बादशाह, रूसी शहंशाह और फ्रांसीसी सदर के दरमियान मुलाकात होगी। आज तक अब्दुल हमीद ने उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बनाकर इकट्ठा होने से रोक रखा है, लेकिन अब एक नया निजाम आएगा, ऐसा निजाम जो सब कुछ बदल कर रख देगा। उस्मानियों, ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, चीन, इन सब की तकसीम के मुतालिक जो रिवाल में मुलाकात होगी उसमें लायमल तैयार किया जाएगा। वक्त बदल रहा है पाशा हजरत। इस्लाम हमेशा से ही हमलों की जद में रहा है, क्योंकि ये हक और सच का दिफा करता है। हमने दुश्मन के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। कौन है ये दुश्मन? मजलूमों पर जुल्म ढाने वाला, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला, अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला, रब्बुल इज्जत की वैधानियत से इनकार करने वाला, खुद को खुदा समझने वाला। सरहदों की तकसीम हो रही है, हमें तैयार रहना होगा पाशा हजरत। हमें अपनी रियासत के काबिल और होनहार लोगों को तलाश करना होगा और उन्हें रियासत की खिदमत के लिए तैयार करना होगा। ऐसे ही एक काबिल शख्स जो इस वक्त मिस्र में मौजूद हैं और कैदीफ खानदान का खून है, उनका नाम फुआद अफंदी है। तो बताओ नौजवान, क्या तुम यह अंगूठी पहनना चाहोगे? तुम्हें ये घटिया जहाज ही मिला था? ऐसे मत देखो मुझे। क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? पाया तख्त पहुंच गए हम।
सुल्ताना, आप ठीक तो हैं ना? हम ठीक हैं। शायद आपने कोई डरावना ख्वाब देख लिया। बिल्कुल। मैं आपके लिए ये दवा लेकर आई हूं। शुक्रिया ज़ैनब। बहुत शुक्रिया। क्या आप अपनी बहन से मिलने नहीं गई? दवा देने के बाद जाने ही वाली थी मैं, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बेहतर है कि मैं रुक जाऊं। हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। आप जाएं और जाकर अपनी बहन से मिलिए। मैं आपके लिए कहवा बनाकर लाती हूँ, उससे आपको पुरसकून नींद आएगी। हमारे साथ एक बुरा हादसा हुआ, लेकिन उसके बाद हमें आप जैसी अच्छी इंसान मिली जो हमारा इतना ख्याल रखती हैं। यानी हर बुरे वाक्य के बाद कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। मैं आपको मायूस नहीं करूंगी इंशाल्लाह। हमें भी आपसे यही उम्मीद है। क्या हुआ खलील खालिद अफंदी? उस्मान, अब हम पाया तख्त में हैं, इसलिए मेरा नाम मत पुकारो। लेकिन क्यों? मेरा नाम सुनकर कई लोगों को तकलीफ होगी। वो मेरा चेहरा तो नहीं जानते, लेकिन नाम से अच्छी तरह वाकिफ हैं। क्या कहूं फिर? जो तुम्हें ठीक लगे। चाचा ठीक रहेगा? तो तुम भी जानते हो, पाया तख्त का हर सिपाही आपकी उर्फियत जानता है। तुम ये जहाज देख रहे हो उस्मान? ये जहाज हमारे वहां से निकलने के दो दिन बाद निकलना था, लेकिन हमारे साथ यहाँ पहुंचाए। तुम मुझे जानबूझकर बेकार जहाज में लाए। वो महंगा जहाज है चाचा, मेरे पास रकम कम थी। आह उस्मान, आह। चलो अब चलते हैं उस्मान। तुम मुझे पाया तख्त ले आए, तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब महल जाओ। नहीं, अभी मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? चाचा, हम यहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन अगर मैं महल अकेला गया तो सुल्तान मौज़म को क्या जवाब दूंगा? उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। ख्याल करें। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं तुम जैसे रियासत के वफादार को शर्मिंदा नहीं करवा सकता हूँ। सुल्ताना, बस यही है। लाइए इधर। इनमें भी नहीं है। कहां गया वो लिबास आखिर? मेरी सुल्ताना, कोई लिबास तलाश कर रही तो मैं मदद करूं? हम किसी आम लिबास को तलाश नहीं कर रहे। वो लिबास कहां है जो हमने हादसे के दिन पहना हुआ था? मैंने वो लिबास धुलने के लिए दे दिया है। उसे अभी यहां लाइए जुल्फत। जैसा आपका हुक्म मेरी सुल्ताना। होलो पाशा, आप माहिर मालियात की हैसियत से अपने फराइज अंजाम देते रहेंगे, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं पाशा, हमारी जासूसी तंजीम को भी असर नौ तरतीब देना है। आप इस हवाले से भी काम करेंगे। मोहतरम ओहन्नस पाशा, आप एक मुआशी कमेटी तश्कील देंगे। उस कमेटी की जिम्मेदारियां क्या होंगी सुल्तान मौसम? ये कमेटी तमाम मुआशी मामलात के फैसले करेगी। ये तिजारत और दरामदात और बरामदात के हवाले से भी फैसला साजी करेगी। हमारी जरूरत के मुताबिक नए इदारे बनाएगी। ये रेलवे और सामान की तरसील का भी काम संभालेगी।
ऐसे माशी इकदामात के बारे में मजबूत फौज के बगैर सोचा भी नहीं जा सकता। तुर्कों का हर इकदाम फौज से शुरू होता है पाशा। फौज की बदौलत ही तिब्बी मैदान में तरक्की की है हमने। हमारी सनअतें तोपखाना माहिरीन की वजह से ही तरक्की पा रही हैं। इस कमेटी में बतौर सरबराह फौज आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी जलालुद्दीन पाशा। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम, लेकिन उस कमेटी का सरबराह कौन होगा मेरे सुल्तान? होलो पाशा इस कमेटी के निगरान होंगे, लेकिन अभी सरबराह का फैसला नहीं किया हमने। आप कितने अरसे के बाद पाए तख्त आए हैं चाचा? ये दुकान यहां कब से है जानते हो? मैं भी इतने ही साल बाद आया हूँ। यानी कितने साल बाद? मैं यहाँ 5 साल के बाद आया हूँ उस्मान। मैंने पाया तख्त में अपना आखिरी खाना इसी होटल में खाया था। 5 साल पहले यहाँ हैदर उस्ताद हुआ करते थे। वो सिर्फ इस होटल में चावल बेचा करते थे। पाया तख्त से जाने से पहले मैंने यहाँ चावल खाए थे, मुझे आज भी उनका जायका याद है। हंस क्यों रहे हो तुम उस्मान? इसलिए कि जब कोई शख्स अपने शहर से दूर जा रहा होता है तो अपने खानदान वालों से मुलाकात करता है, और आप यहाँ चावल खाने आए थे। मेरा कोई अजीज नहीं उस्मान, मुझसे प्यार बर्दाश्त नहीं होता। माजरा चाहता हूँ चाचा। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ उस्मान, असल में मुझे गुस्सा हैदर उस्ताद पर आ रहा है कि उन्होंने अपना इतना अच्छा होटल खत्म क्यों कर दिया। अब सवारी तलाश करनी चाहिए हमें। सबब क्या है? क्योंकि अगर इस होटल की तरह पाया तख्त की सवारियां भी खत्म हो गईं, तो हम महल नहीं पहुंच पाएंगे। शहजादी, हम आपको ही तलाश कर रहे थे ज़ैनब। आप हमारी मदद करेंगी ना? हमने आपसे इस बारे में बात की थी। मुझे माफ कर दें शहजादी, लेकिन मैं ये गुस्ताखी नहीं करना चाहती। आप जो मुझसे कह रही हैं वो मैं नहीं कर सकती। मैं ऐसा काम करके जिसका कोई भी अजाला नहीं, आपको गुनाहगार नहीं करना चाहती। मुझे इजाजत दीजिए। हमें अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात का पछतावा है, और वो बात ऐसे शख्स से शादी करना है जिसने हमसे मोहब्बत की ही नहीं। मैं चाहती हूं कि उसे भुलाने में आप मेरी मदद करें। हम महल आ तो गए हैं, लेकिन हमारा हुलिया ठीक नहीं है उस्मान। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं पाए तख्त क्यों लाया हूं आपको, और ये भी कि सुल्तान मौजम आपके मुंतजिर हैं। अच्छा किया उस्मान, अच्छा किया। मैं ये दस्तावेज अपने कमरे में रख के आता हूं। सवारी तैयार है? तैयार है जनाब। खलील खालिद उर्फ चाचा, गिरफ्तार करो इसे। खलील खालिद अफंदी, गिरफ्तार करो फौरन। यह वो शख्स नहीं रहा जिसे तुम जानते थे। यह एक मफरूर उस्मानी अफसर है। गिरफ्तार करो। खलील खालिद अफंदी को हम अच्छी तरह जानते हैं पाशा। ये चाचा है, गद्दार नहीं है ये। खलील खालिद अफंदी को गिरफ्तार करने के बजाय आप हमें गिरफ्तार कर लें। अपने हथियार वापस उठाओ मेरे शेरों,
ये हथियार तुम्हारी इज्जत है। चाचा, सुल्ताने मौजम आपके मुंतजिर हैं। आप कुछ भी नहीं जानते पाशा, कुछ नहीं मालूम आपको। जानते होते तो ऐसा नहीं करते। शुक्रिया बेटी। हंदान खातून को भी बुलाइए यहाँ, उन्हें भी हमारे साथ कहवा पीना चाहिए। ये उनके बच्चे के लिए मुफीद है, उन्हें शिफा होगी। जैसा आपका हुक्म। कोई जरूरत नहीं है, वो आराम कर रही होंगी इस वक्त, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। वो काफी दिनों से अपने कमरे में ही है, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? फिक्र की कोई बात नहीं है। हंदान बिल्कुल ठीक है। जब औरत उम्मीद से होती है तो उसे ज्यादा नींद की जरूरत पड़ती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह हर किसी को नेक और सेहतमंद औलाद अता करे। मेरी सुल्ताना, कहिए जुल्फत। आपका लिबास ठीक करवाने के लिए किसी दर्जी के पास भेजा है? फौरन किसी को भेजकर उसे वापस मंगवाइए। बिदार खातून, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। कोशिश कीजिएगा कि जल्दी सोकर आज नींद पूरी करें। हम नहीं सो सकते, हमें नींद से डर लगता है। हम जब भी आंख बंद करते हैं तो एक डरावना ख्वाब आता है। एक घर की छत पर गहरे साए नजर आते हैं, फिर हमें एक औरत के बोलने की आवाज आती है। हमें समझ में नहीं आता कि वो क्या कहती हैं, लेकिन डर बहुत लगता है। खुदा का खौफ कीजिए, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हैं। रोने ख्वाब आ रहे हैं, लेकिन इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है। आप अभी भी हादसे के जेर असर हैं वालिदा, लेकिन ये वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा। हमें भी यही लगता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। ये मजीद बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पिछले ख्वाब में किसी ने कपड़े से हमारा मुंह बंद कर दिया। हम सांस भी नहीं ले पा रहे थे, फिर अचानक हमने एक आवाज सुनी। कैसी आवाज? जैसे कोई अपनी पूरी ताकत से पत्थर पर जोर से कुल्हाड़ा मार रहा हो। आप अपनी बातें सुने बिदार खातून, सुबह माली काम करते हैं, आपने यकीनन उनकी आवाज सुनी होगी। वैसे पता है हमें क्या लगता है? खुद के लिए मसरूफियत ढूंढिए, कोई काम नहीं है आपके पास, इसीलिए आपको इस तरह ख्वाब आते हैं। खाली दिमाग वैसे भी शैतान का घर होता है। इसकी कोई जरूरत नहीं, जैनब की दवा से यूं ख्वाबों को जल्दी भूल जाएंगी। आप परेशान ना हो पप्पी जान, इंशाल्लाह। खलील खालिद ने हमारे हुक्म पर तंजीम छोड़ी थी पाशा, और अब हमारे ही हुक्म पर वापस आ गए हैं। सुल्ताने मौसम, 5 साल से इनका कुछ पता नहीं था, इसलिए मैं ये समझा के। हमें यकीन है इन 5 सालों में खलील खालिद अफंदी ने किसी न किसी तरह से रियासत की भलाई के लिए दिन रात काम किया होगा। इन 5 सालों में इन्होंने चीन, क्यूबा और रूस में कयाम किया। एक दिन इन्होंने लंदन से हमें बहुत अहम खबर भेजी। कुछ महीने ये अमरीका में जासूसी करते रहे, बिलाखिर ये अब पाए तख्त हमारे हुक्म पर वापस आ गए। अल्लाह का शुक्र है सुल्ताने मौज़म। खलील खालिद अफंदी ने अपनी पूरी जिंदगी रियासत की सरबलंदी के लिए वक्फ कर दी। ये उन मुजाहिदीन में से नहीं है जिनके नाम किताबों में शामिल किए जाते हैं, बल्कि ये उन मुजाहिदीन में से हैं जिनके नाम दिलों पर नक्श हैं। माफ कीजिएगा सुल्ताने मौज़म, मैं लाइल्म था। आप जा सकते हैं पाशा। रियासत से बाहर की जो जिम्मेदारियां थीं वो अब खत्म हो चुकी हैं। खलील खालिद अफंदी अब पाए तख्त में रहेंगे।
پائے تخت میں خوش آمدید۔ لیلا صاحبہ، لیلا نہیں، شیوناز۔ جیسا کہ تم دیکھ سکتی ہو، مجھے اپنا حلیہ تبدیل کرنا پڑا۔ اب مجھے بتاؤ، سب کچھ جاننا چاہتی ہوں تم سے۔ محل میں کیا چل رہا ہے؟ بیدار سلطان کی طبیعت کیسی ہے؟ یا بھی حادثے کے زیر اثر ہے؟ وہ ٹھیک ہے، لیکن انہیں اکثر ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ ابھی اچھے دن ہیں اس کے، اصل خواب تو بیدار سلطان کو میں دکھاؤں گی۔ زینب، میں چاہتی ہوں کہ تم بہت محتاط رہو۔ صرف عبد الحمید اور بیدار ہی نہیں، نائمے، عبد القادر، محمد سلیم، ان سب کے بارے میں مجھے ہر چیز معلوم کر کے بتاؤ گی۔ ان سب کی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہمارا بہت بڑا ہتھیار بن سکتی ہیں، سمجھی تم؟ جی بالکل۔ جب میں انہیں برباد کر دوں گی تو تمہارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ میں یہ سب کچھ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی بڑی بہن کے لیے کر رہی ہوں۔ نہ تم اور نہ ہی تمہاری بہن اس لائق تھے کہ تم دونوں کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آتا۔ قہوہ پیو گی؟ نہیں۔ تو فی الحال تمہارے پاس کوئی کام کی خبر نہیں ہے؟ نہیں جانتی کہ آپ کو اس بات میں دلچسپی ہوگی بھی یا نہیں، لیکن نائم سلطان امید سے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں یہ بچہ نہیں رکھنا چاہتی۔ تو تم نے کیا کہا؟ انہیں منع کر دیا میں نے۔ تو اب تم جا کر اس سے کہو گی کہ میں تمہاری مدد کروں گی۔ تم تو ایک عورت ہو، کیسے بچا سکتی ہو میری جان؟ ایک جڑی بوٹی ہے جسے آپ گرم پانی میں ڈال کر پیئیں گی تو یہ حمل ساقط ہو جائے گا۔ مجھ پر سب سے زیادہ شک عبد القادر کو ہی ہے، وہ مجھے ایسے دیکھتا ہے جیسے ابھی مار ڈالے گا۔ تشریف لائیے۔ خوش آمدید۔ آپ کے والد ان سے خبردار نہیں رہ پائے، اسی لیے انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔